हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस गिरी और आप देख रहे हैं पीके यानी प्रिंस वाई के जी के। एकिडाना ये दुनिया का सबसे विचित्र जीव में से एक है, क्योंकि इस जीव के पूरे शरीर पर कांटे होते हैं जो किसकी सुरक्षा करते हैं और शिकारियों से बचाए रखते हैं। इसके कांटे पेक्यूपाइन जैसे होते हैं। इसकी सबसे ज़्यादा आबादी अमेरिका में पाई जाती है। भारत में भी ये जीव पाया जाता है। राजस्थान में इस जीव को जहुला कहते हैं और अंग्रेजी में इसे एकिडाना कहते हैं। ये जीव आधा रेप्टाइल है तथा आधा मैमल है। यह करीब 60 मिलियन सालों से इस दुनिया में है। ये ज़्यादातर रात के समय बाहर निकलते हैं तथा दिन के समय अंदर छुपे रहते हैं। एकिडाना की नाक के आधार पर कई तरह के होते हैं। कुछ एकिडाना की नाक छोटी होती है, जबकि कुछ एकिडाना की नाक लंबी होती है। इसके पंजे लंबे होते हैं, इसके नाखून भी लंबे होते हैं। इसकी नाखून की बदौलत हुए जमीन की मिट्टी को खोदने का काम करते हैं तथा वे अपने शिकार को ढूंढते हैं। ये जानवर अंडा देता है तथा अपने बच्चों को कंगारू की तरह पाउच में पालता है। यह अपने बच्चों को तब तक पाउच में रखता है जब तक वे बड़े नहीं हो जाते। इसके पाउच के अंदर जो त्वचा होती है उसमें दूध निकलता है ताकि इसका बच्चा दूध पी सके। ये जानवर ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सर्दियों के मौसम में ये जानवर किसी बिल को ढूंढते हैं तथा उसके अंदर चले जाते हैं तथा सर्दियों के बीतने पर इंतजार करते हैं। जब तक सर्दियाँ ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वे बिल के अंदर ही रहते हैं। जब ये बिल के अंदर होते हैं तब इनकी हार्ट बीट बहुत कम हो जाती है। ये एक मिनट में 5 बार ही सांस लेते हैं। इसकी एक खास बात ये भी है कि यह जानवर पानी के अंदर भी रह सकता है और लंबे समय तक भी रह सकता है। प्लेटिपस तथा मैमल, इन दोनों में कोई भी समानता नहीं होती है। ये दोनों अलग अलग जीव है। 20 मिलियन साल पहले इन दोनों में कुछ बदलाव हुए, जिसके फलस्वरूप प्लेटिपस एक तरफ चले गए तथा मैमल दूसरी तरफ चले गए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से आपको एकिडाना के बारे में कुछ जानकारी मिल चुकी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमको कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।